एचपी इंडिया का नंबर वन लैपटॉप ब्रांड है। किसी ने भी कोई भी लैपटॉप बाय करना हो ना, सबसे पहला नाम आता है एचपी का, पर्सनल यूज से लेके प्रोफेशनल यूजेज तक। और चाहे आपने गेमिंग करनी है, एचपी के लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में। तो आज की इस वीडियो के अंदर 40,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक के बेस्ट एचपी लैपटॉप आपको बताऊंगा, प्रोफेशनल लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप एंड साथ में कंटेंट क्रिएशन वाले लैपटॉप। आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखना, दैट्स इट। तो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं HP 15S लैपटॉप से। इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 39,000 रुपीज ओनली। इस पीरियड का HP का सबसे बेस्ट लैपटॉप है एंड इस पीरियड का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप भी है। स्टूडेंट्स एंड ऑफिस गोइंग के लिए वन ऑफ द परफेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सबसे पहली चीज के इसके अंदर हमें मिल जाती है बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट, टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, 1215U, 12th जनरेशन का 6 कोर्स 8 थ्रेड्स वाला। इसी पीरियड के जितने भी बाकी सभी लैपटॉप्स है ना, N305 हो गया, i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर, i3 का 11th जनरेशन प्रोसेसर, Ryzen 3 के दोनों एंड Ryzen 5 का 5500U, इन सब का कंपैरिजन आपके सामने है। जो 12-15U की परफॉर्मेंस है ना, वो सबसे बढ़िया एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट। 8GB की रैम है, DDR4 3200MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, साथ में 512GB की Gen 3 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की FHD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 250 nits की ब्राइटनेस, 45% NTSC, इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। लैपटॉप के अंदर आपको 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी लैपटॉप में, 50% बैटरी सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, इस ब्रेड का टोटली परफेक्ट लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप फॉर यू गाइस, इसे जरूर कंसीडर करो, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये लैपटॉप था 15.6 इंच के डिस्प्ले साइज में। सेम लैपटॉप आपको मिल जाएगा एचपी का ही एचपी लैपटॉप 14S, जिसके अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिल जाएगा 14 इंच का। दरअसल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, 15.6 इंच के डिस्प्ले साइज में एंड साथ में 14 इंच के डिस्प्ले साइज में। आपको जो भी पसंद है, जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। अगला लैपटॉप आ गया HP लैपटॉप 14। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 47,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, 1315U, जो अभी हमने रिसेंटली 12-15U प्रोसेसर देखा ना, ये उसका सक्सेसर प्रोसेसर है, 13 जनरेशन का एकदम ही लेटेस्ट, 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है, इसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ज्यादा ही बढ़िया होगी क्योंकि इसके अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है। 8GB की रैम है, DDR4 3200MHz वाली एक्सपेंडेबल है, 16GB तक, 512GB की Gen 3 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 14 इंच के FHD डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस, इंटेल की USD ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया। लैपटॉप में आपको प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है ना, वो जस्ट 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है ड्यू टू रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। तो आपने इस लैपटॉप को भी जरूर कंसिडर करना है एंड इसका जो बेस्ट प्राइसिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप आ गया HP का HP 15S लैपटॉप। ये लेटेस्ट 12 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ मिलेगा आपको, 55,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी आपको इसके अंदर भी मिल जाती है। अब इसके अंदर आपको दिया गया i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर, 1235U, 10 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे है ना, उन सबके कंपेरिजन में ये प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया है। स्कोर्स आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके इसके परफॉर्मेंस स्कोर्स को चेक कर सकते हो। 8GB की रैम है, DDR4 3200MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की FHD WVA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 250 nits की ब्राइटनेस, 45% NTSC, वही बेसिक डिस्प्ले जो कि आपको HP के सभी लैपटॉप्स के अंदर मिल जाती है, इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया। एडिशनल फीचर्स को चेक करें, बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड, बैकलिट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको इसके अंदर भी मिल जाती है, 50% बैटरी, 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। तो ये भी लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है, 55,000 के अकॉर्डिंग टोटली परफेक्ट लैपटॉप है, काफी ज्यादा बिकता है ये लैपटॉप, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप है HP 15S लैपटॉप। लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाती है 16GB की रैम। आप इसके ऊपर वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, कोडिंग करनी है, फोटोशॉप जैसे काम करने हैं, ये सारे काम ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेगा। इसकी जो मल्टीटास्किंग है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। 44,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी, Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5500U, 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, डुअल चैनल रैम है, 3200MHz वाली। ये लैपटॉप मैक्सिमम 16GB की रैम को सपोर्ट करता है, जो कि हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है, विच सिंपली मीन्स कि इसकी जो रैम है दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की SSD है, स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में, 250 nits की ब्राइटनेस, AMD के रेडियन ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप, एडिशनल फीचर सेम है, बैकलाइट कीबोर्ड, बिल्ट इन अलेक्सा एंड रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। ये भी लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है। Ryzen का प्रोसेसर है 5500U, 44,000 के अकॉर्डिंग टोटली परफेक्ट लैपटॉप है, 16GB की रैम वाला लैपटॉप है, बेस्ट स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
अब बात करते हैं HP Pavilion 15 लैपटॉप की। देखो ये जो Pavilion सीरीज होती है ना HP की, ये प्रीमियम सीरीज होती है। HP के जो भी आपको प्रोफेशनल लैपटॉप मार्केट के अंदर मिलते हैं ना, वो दो सीरीज के अंदर मिलेंगे। एक तो हो गया 15S सिंपल सीरीज वाला लैपटॉप, दूसरा मिलेगा आपको Pavilion 15। एक तो Pavilion सीरीज का जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, एंड उसी के साथ उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया होती है, एंड दिखने में भी Pavilion सीरीज के लैपटॉप ज्यादा बढ़िया लगते हैं। ऑल इन ऑल ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं। 64,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, बट 60,000 के बजट के अंदर आपको लैपटॉप इजिली मिल जाएगा। कार्बोनेट बॉडी, i5 का 1240p प्रोसेसर दिया गया, परफॉर्मेंस एक्चुअल में इसकी काफी बढ़िया है, 12 कोर 16 थ्रेड्स। अब ये चीज समझने वाली है कि इसके अंदर आपको P सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। प्रोसेसर आपको मार्केट के अंदर तीन सीरीज के अंदर मिल जाते हैं, U, P एंड H। जितने भी U सीरीज वाले प्रोसेसर है ना, वो बने होते हैं बेसिक काम करने के लिए, हम उनके ऊपर ज्यादा हैवी काम नहीं कर सकते, लेकिन उनका बैटरी बैकअप सबसे अच्छा होता है। एंड सबसे हैवी काम करने के लिए बने होते हैं H सीरीज के प्रोसेसर, जो कि गेमिंग सीरीज के प्रोसेसर होते हैं, हम उनके ऊपर जैसा मर्जी हैवी काम कर सकते हैं, एडिटिंग करनी है, हाई लेवल की कोडिंग करनी है, ये सारे काम H सीरीज वाले प्रोसेसर के ऊपर हो जाते हैं। एंड इन दोनों के बीच में आ जाते हैं P सीरीज के प्रोसेसर। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस इसकी H सीरीज के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, U सीरीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी है। दैट्स व्हाई P सीरीज का प्रोसेसर आपको प्रेफर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट U सीरीज का प्रोसेसर भी काफी बढ़िया होता है। जितना बढ़िया बैटरी बैकअप आपको U सीरीज के प्रोसेसर वाले लैपटॉप के अंदर मिलेगा ना, वो आपको बाकी दोनों सीरीज के अंदर नहीं मिल सकता। 8GB की रैम है, DDR4 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली एक्सपेंडेबल है, 16GB तक, 512GB की SSD व्हिच इज आल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की FHD IPS डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC इंटेल के RS ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप, फुल साइज कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नमपैड, बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है टू ऑपरेट विद आर वॉइस कमांड। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसीडर करना है, बेस्ट सेलर लैपटॉप है, गो फॉर इट। इसी सेम लैपटॉप में आपको अगर 14 इंच के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप चाहिए ना, तो HP का ही लैपटॉप अवेलेबल है, इसका अल्टरनेट ऑप्शन HP 14S लैपटॉप। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, सभी कुछ सेम है, तो आप इन दोनों में से किसी भी डिस्प्ले साइज में लैपटॉप बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं HP लैपटॉप 15S। अब ये लैपटॉप ना अंडर 70,000 के बजट के अंदर वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, एंड टोटली परफेक्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए। 69,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, i7 का प्रोसेसर है, 1255U 12 जनरेशन वाला, 10 कोर्स 12 थ्रेड्स, 16GB की रैम है, मैक्सिमम लैपटॉप 16GB की रैम को सपोर्ट करता है, मतलब कि रैम इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है, बट स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, 512GB की SSD व्हिच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की WVA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC इंटेल के RS ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप, बैकलेट कीबोर्ड एंड साथ में बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट, टोटली परफेक्ट लैपटॉप है ये भी आपने जरूर कंसीडर करना है। अगर आपका बजट 70,000 रुपए है, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है एंड साथ में 16GB की रैम है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज HP Pavilion 15 लैपटॉप। इसके अंदर आपको लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा, 80,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। ये Pavilion सीरीज का लैपटॉप है, डिजाइन वगैरह सब कुछ इसका एकदम ही बढ़िया मिलेगा आपको। बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड, आफ्टर दैट इसके अंदर आपको मिल जाती है मेटल की बॉडी। देखो मेटल बॉडी होने के कारण ना इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाती है। i5 का 1340p प्रोसेसर दिया गया, 13 जनरेशन का, 12 कोर 16 थ्रेड्स। अब ये जो प्रोसेसर है ना, ये 1240p का सक्सेसर प्रोसेसर है, तो इसकी भी जो परफॉर्मेंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल। 16GB की रैम है, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली डुअल चैनल, 512GB की SSD, 15.6 इंचेस की FHD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 100% sRGB, 300 निट्स की ब्राइटनेस। अब देखो इसके अंदर जो आपको डिस्प्ले मिल जाती है ना, एक तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस वीडियो, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, एंड आफ्टर दैट इसकी डिस्प्ले में आपको 100% sRGB दे रखी है। इसका मतलब ये चीज है कि आपकी जो एडिटिंग है ना, या फिर आपने कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं, उसके अंदर जो आपको एक्यूरेसी मिलेगी ना 100% sRGB होने के कारण, दैट इज टोटली अनबीटेबल। बहुत ही रियल कलर्स दिखते हैं, ब्राइट दिखते हैं, एंड एक्यूरेसी काफी बढ़िया हो जाती है इससे। इंटेल के RS ग्राफिक्स है, 8GB शेयर मेमोरी के साथ, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, बूटिंग टाइम इसका सिर्फ 12 सेकंड है, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 50% बैटरी 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। तो ये भी लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है, 80,000 के अकॉर्डिंग परफेक्ट लैपटॉप रहेगा। नाउ दिस इज HP Pavilion 15 लैपटॉप। इसका प्राइस है 87,000 रुपीज। मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है। अब इसके अंदर हमें अभी तक की वीडियो का सबसे तगड़ा प्रोसेसर दिया गया है, i7 का 1360p 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। सारे स्कोर्स आपके सामने, वीडियो को पॉज करके इसके स्कोर्स को चेक कर सकते हो। काफी मेजर डिफरेंस हमें इसकी परफॉर्मेंस के अंदर मिल जाता है। एकदम ही तगड़ा लैपटॉप है। 16GB की रैम है, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली डुअल चैनल। अभी थोड़ा ध्यान दो। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको 16GB की रैम मिल रही थी ना, उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं थी, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम 32GB तक रैम का एक्सपेंड कर सकते
सकते हैं। साथ में इसकी जो स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो डबल एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट एंड ऑल्सो दिस वीडियो। 1 TB की SSD हमें लैपटॉप के अंदर प्री इंस्टॉल मिल जाती है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches के FHD IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल के RS ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलेट कीबोर्ड सब कुछ आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। देखो सिंपल चीज है कि अगर आपने HP का बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना है एंड आपका बजट अच्छा है 85,000 से 90,000 के बीच, ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। गो फॉर इट, बेस्ट पाइलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की। आपको 3 गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा, अंडर 50,000, अंडर 70,000 एंड एक लैपटॉप है 90,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में। तो सबसे पहला लैपटॉप HP Victus, 52,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर दिया गया दैट इज Ryzen 550 600H, यही प्रोसेसर आपको इस बजट के अंदर बढ़िया मिलेगा। गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर है, 6 कोर्स 12 थ्रेड्स, 8 GB रैम, 16 GB तक एक्सपेंडेबल है, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches की FHD IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, 250 nits की ब्राइटनेस, 9 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, AMD Radeon RX 6500M डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 65W है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, क्यूडा कोर 1024। सबसे पहले तो आप इसके सारे गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो, काफी बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एंड ये जो ग्राफिक कार्ड है ना 6500M, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 5500M से फार बेटर है। मान के चलो 1650 लेवल तक की परफॉर्मेंस हमें इस ग्राफिक कार्ड के अंदर मिल जाती है। तीनों के GPU स्कोर्स भी आपके सामने है, आप इन तीनों के स्कोर्स को भी कंपेयर करके चेक कर सकते हो। एक्चुअल में 52,000 के अकॉर्डिंग ना टोटली परफेक्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए। रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, प्रोसेसर एच सीरीज का दिया गया एंड साथ में ग्राफिक कार्ड भी तगड़ा है। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा आपको, 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप एंड साथ में बैकलेट कीबोर्ड दिया गया है। परफेक्ट लैपटॉप है, आपकी सारी गेम्स इसके ऊपर इजीली चल जाती है। GT5 होगी, फोर्जा होगी, असैसिन्स क्रीड, रेड डेड रिडेम्पशन, इन सभी गेम्स की एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। अब बात करते हैं अगले लैपटॉप की। Amazon चॉइस का लैपटॉप है HP Victus गेमिंग लैपटॉप। एक तो इसके अंदर प्रोसेसर एकदम ही बढ़िया दिया गया एंड दूसरा जो इसका ग्राफिक कार्ड है वो भी एक्चुअल में काफी बढ़िया है। सबसे पहले प्राइस को चेक करते हैं, 68,500 रुपीज इसका करंट प्राइस है। बैकलिट कीबोर्ड, पॉलीकार्बोनेट बॉडी, इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है, 12 जनरेशन का 12450H। एक तो ये प्रोसेसर इस बजट का सबसे तगड़ा एच सीरीज वाला प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला स्कोर्स आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके इसके स्कोर्स को अच्छे से चेक कर सकते हो। 16 GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB, 512 GB की जेन 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो ये जो जेन 4 SSD होती है ना, ये जेन 3 के कंपैरिजन में फास्ट होती है। इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू ओल्ड जनरेशन SSD, तो ये भी आपको प्लस पॉइंट मिलेगा लैपटॉप को बाय करने पे। 15.6 inches के FHD IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 9 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, 144Hz का रिफ्रेश रेट, NVIDIA GeForce RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में, 4 GB का, TGP 75W है, QUDA कोर 2048 के एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके आप इसके गेमिंग स्कोर्स को अच्छे से चेक कर लो। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, बिल्ट इन अलेक्सा एंड इसके अंदर आपको एक्सबॉक्स का गेमिंग पास मिल जाएगा 1 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में। देखो अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो ना या फिर आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है, मल्टी लेयर एडिटिंग इसके ऊपर हो जाती है 4K एंड फुल HD दोनों वीडियोस की, तो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है। अगला लैपटॉप आ गया HP Omen गेमिंग लैपटॉप, 98,500 रुपीज इसका करंट प्राइस है। मेटल की बॉडी, इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है, 13 जनरेशन का, 13420H, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। अब इसके अंदर जो हमें रैम मिल जाती है दैट इज 16 GB, लेकिन ये DDR5 रैम है 5200 MHz वाली, लेटेस्ट रैम है, इसके मेगाहर्ट्ज़ ज्यादा है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज्यादा फास्ट मिलेगी एंड ऑल्सो इसकी रैम 64 GB तक एक्सपेंडेबल भी है, 512 GB की SSD, जेन 4 SSD है, दोनों ही चीजें एकदम ही लेटेस्ट होगी। रैम एंड स्टोरेज परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगी, स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, 16.1 inches की FHD एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 250 nits की ब्राइटनेस, 45% NTSC। अब इसका ग्राफिक कार्ड देखो, NVIDIA GeForce RTX 4050 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB वाला, TGP 120W है, सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, एकदम ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस हमें इसके ग्राफिक कार्ड के साथ मिल जाती है, तो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है अगर आपने 1 लाख के बजट के अंदर गेमिंग लैपटॉप बाय करना है। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा आपको लैपटॉप में, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं एंड RGB बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है, दिखने में लैपटॉप काफी बढ़िया लगता है, हैंड्स डाउन इस बजट का सबसे पावरफुल लैपटॉप है, गो फॉर इट। सो या दीज आर दी बेस्ट HP लैपटॉप्स इन 2023। देखो सिंपल चीज है, आपने सिर्फ अपना बजट डिसाइड करना है एंड आपका पर्पस डिसाइड करना है। मैंने आपको हर एक बजट का सबसे बढ़िया लैपटॉप बता दिया एंड जितने भी लैपटॉप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए ना, वो अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया लैपटॉप्स भी हैं, सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स हैं एंड सभी की परफॉर्मेंस टोटली अनबीटेबल है। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो, सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।